अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सदीक हियर। आज हम सेकंड ईयर के बायोलॉजी का जो चैप्टर क्रोमोसोम और डीएनए है, उसका हम सेकंड लेक्चर डिलीवर करेंगे। इससे पहले लेक्चर जो था उसमें हमने थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था, और आज जो है हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो कि इधर मैंने आपको रेड में दिया है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। अब देखिए, इधर आपके पास ये एक क्रोमेटिड है और ये एक क्रोमेटिड है, ठीक है। ये भी मैंने क्रोमेटिड और ये भी आपके पास क्रोमेटिड, दोनों क्रोमेटिड्स होते हैं। अब ये दोनों क्रोमेटिड्स, ये रेड में जो राउंडेड सर्कल है, दिस कॉल्ड सेंट्रोमेयर। इसी सेंट्रोमेयर की मदद से ये दो क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में अटैच हुए होते हैं, और इसी सेंट्रोमेयर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेंटर में फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है, डिप्रेस्ड एरिया है। सो दिस इज कॉल्ड, दिस सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड बेसिकली द सेंट्रोमेयर, एंड दिस सेंट्रोमेयर इज कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये सेंट्रोमेयर बेसिकली डीएनए पर मुश्तमिल होता है। ये भी बेसिकली अगर आप देखें, दिस इज फॉर्म्ड ऑफ डीएनए। सेंट्रोमेयर बेसिकली डीएनए पर मुश्तमिल होता है, और इसी सेंट्रोमेयर के ऊपर जो मैंने ग्रीन में राउंड सर्कल शो किया है, इसी सेंट्रोमेयर के ऊपर प्रोटीनेशियस लेयर होता है। दिस प्रोटीनेशियस कवरिंग अ लेयर इज कॉल्ड काइनेटोकोर, इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रोमेयर होता है, जो कि डीएनए पर मुश्तमिल होता है, इसके सराउंडिंग में जो ग्रीन में आपको सर्कल नजर आ रहा है, एक प्रोटीनेशियस कवरिंग है, इट इज कॉल्ड काइनेटोकोर। तो बेसिकली सेंट्रोमेयर भी डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। डीएनए और प्रोटीन से सेंट्रोमेयर किस तरह बना होता है कि ये इसी सेंट्रोमेयर में डीएनए होता है और ऊपर प्रोटीन होता है, इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। और इसके साथ फिर सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, फिर इसको हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स भी कहते हैं। जिस तरह कि हमने डिटेल में सेल साइकिल का चैप्टर जो है उसको हमने डिटेल में पढ़ा है, माइटोसिस और मियासिस, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उधर सेल साइकिल में आप माइटोसिस, मियासिस और सेल साइकिल को तफसील से आप देख सकते हैं। अब ये जो आपके पास क्रोमोसोम है जिसमें दो क्रोमेटिड होते हैं, इन दो क्रोमेटिड्स को बेसिकली क्या कहा जाता है, दिस टू आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों बेसिकली क्या है, दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड। इसको सिस्टर क्रोमेटिड इसलिए कहते हैं कि ये जो क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है, ये बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट कॉपी होती है, इसकी बिल्कुल कॉपी है। जो जीन्स इधर लोकेट हुए होते हैं, वही के वही जीन इस पर भी लोकेट हुए होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये आपके पास एक रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। एक तो आपके पास नॉन रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम होता है। जो नॉन रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम होता है तो सिंपली इस तरह होता है, ये कंडेंस फॉर्म है क्रोमोसोम का, बट ये सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, और ये आपके पास डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, या ये एक आपके पास नॉन क्रोमेटेड क्रोमोसोम है, और ये आपके पास रिप्लिकेटेड, ये नॉन रिप्लिकेटेड और ये रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम आपके पास होता है। तो इसमें दो क्रोमेटिड्स होते हैं। दो क्रोमेटिड्स के अलावा इसमें सेंट्रोमेयर जो डीएनए से बना होता है, इसके ऊपर एक प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है काइनेटोकोर, और इसी सेंट्रोमेयर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। प्राइमरी फर्स्ट ये कंप्रेस्ड एरिया है, और इसके अलावा इसी क्रोमोसोम को मैंने आपको इधर शो किया है कि इसके अंदर डीएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए जो होता है आपके पास 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये मैंने आप ये ब्लू ग्रीन में 1 2 3 4 5 7 8 हिस्टोन प्रोटीन आपके लिए शो किए हैं। इसी हिस्टोन प्रोटीन को ये रेड में जो आपको शो किया है, डीएनए है। वन सर्कल, दूसरा सर्कल में 2 टाइम्स रैप करता है
इसको इंसर्कल करता है इस हिस्टोन प्रोटीन को, और ये बेसिकली आपके पास क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है। ये आपके पास पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम किस चीज पर मुश्तमिल होता है बेसिकली, ये 200 न्यूक्लियोटाइड्स, 200 न्यूक्लियोटाइड्स पूरे डीएनए के नहीं, डीएनए का वो पार्ट यहां से लेकर यहां तक जो इसे हिस्टोन प्रोटीन को टू टाइम रैप करता है, दैट इज कॉल्ड दिस डीएनए पोर्शन कंटेन 200 न्यूक्लियोटाइड्स और 8 हिस्टोन प्रोटीन्स है। इसी 8 हिस्टोन प्रोटीन और 200 न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड देन न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। तो ये डीएनए के पार्ट होते हैं ये प्रोटीन, और आपको पता है कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के नतीजे में आपस में इंटरेक्शन में होते हैं और आपके पास क्या बनाते हैं, आपके पास डीएनए बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। और ये स्पेशली जो होता है आपके पास यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में होता है। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है दो कॉम्पोनेंट पर मुश्तमिल होता है, एक आपके पास क्या होता है इसमें डीएनए होता है और दूसरा इसमें हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक की जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, उसका क्रोमोसोम जो होता है सिर्फ और सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल होता है। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम और प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में क्या फ़र्क है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम दो कॉम्पोनेंट से हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, और जो आपके पास प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल होता है। और ये जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है जो 8 हिस्टोन प्रोटीन को टू टाइम्स रैप करता है, सर्कल करता है, ये लुक्स लाइक अ बीड्स, तस्बीह के दाने मोतियों की तरह नज़र आते हैं। ये बहुत सारे होते हैं इस तरीके से। इधर अगर मैं आप बताऊँ कि फॉर एग्जाम्पल इधर आपके पास 8 हिस्टोन प्रोटीन है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 8 हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये फिर क्या करेगा, ये दोबारा ये जो आपके पास ये डीएनए है इसको फिर टू टाइम सर्कल कर देगा करेगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आएगा, इसके बॉटम साइड पर चला जाएगा, ठीक है, इधर से डीएनए अपीयर हो जाएगा और ये इस तरीके से इसको इंसर्कल कर लेगा, फिर दोबारा उस साइड से ये आएगा और इधर से फिर दोबारा इस तरीके से इंसर्कल करेगा। इस तरीके से बहुत सारे स्टोन प्रोटीन जो होते हैं डीएनए इसको इंसर्कल करता है और ये तस्बीह के दानों की तरह क्या होते हैं नज़र आते हैं। तो बेसिकली क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। अब देखें इसी क्रोमोसोम को मैंने इधर दोबारा भी ड्रा किया है कुछ और स्ट्रक्चर बताने के लिए ताकि आपके लिए डायग्राम क्लियर हो। एक ही क्रोमोसोम में मैंने सारे स्ट्रक्चर नहीं दिखाए, फिर डायग्राम खराब होते हैं और आपको क्लियर नज़र नहीं आता। अब देखिए इसी क्रोमोसोम को मैंने आपको दोबारा शो किया है। अब जो इसका सेंट्रोमेयर है जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, इसके अलावा इसमें एक और कंस्ट्रक्शन होता है। ये जो आपको कंस्ट्रक्टेड पार्ट नज़र आ रहा है ये वाला, दिस कॉल्ड द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन and this secondary construction is also called nucleolar organizer। इसको nucleolar organizer क्यों कहते हैं, क्योंकि this nucleolar organizer is responsible for the formation of nuclei। nucleolus इसका singular है, nucleoli इसका plural है during interphase जो कि G1S और G2 phase पर मुश्तमिल होता है। डिटेल में ये लेक्चर मौजूद है सेल साइकिल के चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुका हूँ। अब इंटरफेस में बेसिकली क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियोलाई बनाते हैं, क्योंकि इसी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर स्पेशल टाइप्स ऑफ जीन्स होते हैं एंड दैट जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियाई। और ये जीन जो होते हैं बेसिकली राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। इसके अंदर जो आपके पास जीन होते हैं ये बेसिकली क्या बनाते हैं, राइबोसोमल आरएनए भी बनाते हैं। कौन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर और या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो कि इधर मौजूद होते हैं इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता है। अब इसी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर इधर आपको एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, इस नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सैटेलाइट, इसको सैटेलाइट कहा जाता है, इसको सैटेलाइट क्रोमोसोम भी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सैटेलाइट अ नॉब आर स्वोलन लाइक स्ट्रक्चर, दिस क्रोमोसोम इज कॉल्ड सैटेलाइट क्रोमोसोम, कॉल्ड सैटेलाइट क्रोमोसोम।
अब इसी सेटेलाइट क्रोमोसोम में यूजलेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूजलेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट सेटेलाइट क्रोमोसोम पार्ट इज कॉल्ड जंक डीएनए। इसको जंक डीएनए भी कहा जाता है, जंक डीएनए। और इसी जंक डीएनए को सेल्फिश डीएनए भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है जिसमें जंक डीएनए है या सेल्फिश डीएनए है, इसमें क्या होते हैं, नॉन कोडिंग प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन कोड नहीं करते किसी प्रोटीन के लिए, ये भी इसी क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, बट क्या होते हैं, नॉन कोडिंग प्रोटीन होते हैं इसी सेल्फिश जंक डीएनए या सैटेलाइट क्रोमोसोम के पार्ट में, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब देखें, ये जो आपको स्पेशली जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपको जिन क्रोमोसोम में नजर आता है या जो सैटेलाइट क्रोमोसोम है या जिसको हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं, ये जिन क्रोमोसोम में पाया जाता है वो क्रोमोसोम जो स्पेशली ह्यूमन में पाए जाते हैं, उसे ह्यूमन के क्रोमोसोम को एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। बेसिकली ये जो आपके पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है जो न्यूक्लियाई बनाते हैं ड्यूरिंग इंटरफेस बिकॉज ऑफ इट्स जीन्स, जो राइबोसोमल आरएनए भी बनाते हैं, ये बेसिकली एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में आपको ये नजर आएगा, ये वाला जो पोर्शन है क्रोमोसोम का। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, इसी क्रोमोसोम को मैंने इधर दोबारा भी ड्रा कर दिया है कुछ और पार्ट समझाने के लिए, कि ये जो क्रोमोसोम होता है जो आपको रिप्लिकेट क्रोमोसोम नजर आता है, इसमें मेन दो आर्म्स होते हैं, दो मेन आर्म्स होते हैं। वो दो मेन आर्म्स कौन कौन से हैं, ऊपर वाला जो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बेसिकली सेंट्रोमेयर होता है। सेंट्रोमेयर के ऊपर वाला जो ये शॉर्ट आर्म है, बेसिकली शॉर्ट, इसको पी आर्म कहा जाता है, बेसिकली कॉल्ड पी आर्म है। और ये जो निचला वाला जो लेंथी होता है थोड़ा सा, इसको क्यों आर्म कहा जाता है, कॉल्ड क्यों आर्म, पी आर्म स्मॉल के लिए इस्तेमाल होता है, क्यों आर्म लार्ज के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। ये पी का जो लफ्ज है बेसिकली ये फ्रेंच वर्ड्स पिट्यूट से डिराइव्ड है, फ्रेंच वर्ड पिट्यूट, ये पी पिट्यूट से लिया गया है। पिट्यूट का मतलब है वेरी स्मॉल, पिट्यूट का मतलब क्या है, पिट्यूट का मतलब है वेरी स्मॉल, ये स्मॉल होता है ये क्रोमोसोम का ऊपर वाला जो आर्म है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड पी आर्म, दैट इज फ्रॉम पिट्यूट। और दूसरा जो आपके पास लोअर जो आपके पास आर्म नजर आ रहा है क्रोमेटिड का या क्रोमोसोम का, इसको क्यों आर्म कहा जाता है, क्यों आर्म, क्यों का लफ्ज जो है ये ओल्ड फ्रेंच से डिराइव्ड है, क्वी, क्यों क्वी से लिया गया है, क्वी मीन्स टेल, चूंकि क्रोमोसोम को टेल किस्म का है नीचे, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड क्यों आर्म या क्वी। बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये पहला आर्म जो है पी है, वेरी स्मॉल, ठीक है, और इसके लिए उन्होंने कुछ नाम नहीं देते, तो फिर कहते हैं, वो कहते कि पी के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों आता है, दैट्स व्हाई इसको क्यों आर्म का नाम दिया गया है। लेकिन बेसिकली क्यों जो है, क्यों आर्म जो है ये ओल्ड फ्रेंच क्वी, क्यू यू ई यू ई से डिराइव्ड है, इसका मतलब है टेल। तो ये दो मेन आर्म जो होते हैं, एक क्रोमेटेड के नॉर्मली तो दो क्रोमेटेड होते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहां से तो फिर चार आर्म्स बनते हैं, दो एक रिप्लिकेट क्रोमोसोम में आपके पास फिर चार आर्म्स बनते हैं, क्योंकि दो पी आर्म है और दो जो आपके पास क्यू आर्म है, तो टोटल आर्म्स कितने हो गए, चार। बट क्रोमेटेड कितने हैं, क्रोमेटेड आपके पास कितने हैं, आपके पास दो क्रोमेटेड है, क्योंकि आपके पास एक क्रोमेटेड आपके पास ये है और दूसरा क्रोमेटेड आपके पास क्या है, ये है, तो आपके पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपके पास पाए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बताऊं क्रोमोसोम में, इसी ही क्रोमोसोम में इधर जो मैंने दोबारा ड्रा किया है, जो मैंने ग्रीन में जो टेल है, जो एंड्स पॉइंट्स है, एंड्स पॉइंट, इसको मैंने ग्रीन से शो किया है। ये जो टेल रीजन है बेसिकली इसका जो एंड पॉइंट है, दीज आर कॉल्ड टेलोमेयर्स, जो मैंने इधर से ये शुरू किया है, ये बेसिकली टेलोमेयर्स है, टेलोमेयर्स, एक ये टेलोमेयर है, ये टेलोमेयर है, ये टेलोमेयर है, और ये भी आपके पास क्या है, टेलोमेयर्स है। ये टेलोमेयर जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं,
prevent attachment from ends between two chromosomes. दो क्रोमोसोम्स को अटैचमेंट से प्रिवेंट करते हैं। और ये जो आपके पास टेलोमेयर्स होते हैं, जो एंड पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, ये टेलोमेयर्स जो होते हैं इसको, इसमें कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। दिस प्रोटीन आर कॉल्ड शेल्टरिन प्रोटीन। शेल्टरिन प्रोटीन दो क्रोमोसोम को अटैचमेंट से क्या करते हैं, बचाते हैं। इसको हम शेल्टरिन क्रोमोसोम कहते हैं। और यहाँ पर इसी टीलोमेयर्स में, ठीक है, जो कि एक सैटेलाइट क्रोमोसोम का जो पार्ट है, इसी टीलोमेयर में रिपीट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, रिपीट ऑफ डीएनए होते हैं, इस तरह के टैग, टैग डबल टी डबल ए और ट्रिपल जी, इस तरह के टैग, टैग का सीक्वेंस जो होता है डीएनए का, ये रिपीट होता है। ये क्या होते हैं बेसिकली, टैग, टैग इस तरह मैं बताऊँ, इस तरह का सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, ये इसी टेलोमेयर में ये सीक्वेंस रिपीट होता है। और साथ साथ इसमें शेल्टरिन प्रोटीन होता है जिसको कवर करते हैं। कवर के नतीजे में ये एंड्स जो होते हैं क्रोमोसोम के लास्ट नहीं होते, लास्ट भी नहीं होते, साथ साथ जो होते हैं दो क्रोमोसोम को कंबाइनिंग से क्या करता है, इसको भी बचाता है। और जो पी आरम, और क्यों आरम हम कहते हैं, बेसिकली आरम होता क्या है, आर द रीजन फ्रॉम सेंट्रोमेयर टू एन एंड। ये सेंट्रोमेयर है, सेंटर में जो दो क्रोमेटिड्स को अटैच करता है, तो इसी सेंट्रोमेयर से लेकर इसी एंड तक ये आरम है। सेंट्रोमेयर से लेकर इसी एंड तक ये क्या है, आपके पास क्या, ये आरम है। तो नॉर्मली हमने इधर ये जिक्र किया कि ये जो होता है आरम जो होते हैं, एक पी आरम होता है और एक आपके पास जो होता है क्यू आरम होता है। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बेसिकली ह्यूमन में एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में इंट्रोडक्शन था।